हाय दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए, आज मैं मटन की नई रेसिपी लेके आई हूँ। मैं ऐसी मटन बनाऊंगी आज जो आपको खाने में भी कितना अच्छा लगेगा और कितना जल्दी बन के भी होता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलो मटन को अच्छे से साफ कर लिया है। और मैंने यहाँ पे देखिए 200 ग्राम प्याज लिया है, उसको भी मैंने अच्छे से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैंने यहाँ पे देखिए कुछ सूखे मसाले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले नमक स्वाद अनुसार लिया है। मैंने यहाँ पे बड़ा 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने छोटा 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। मैंने यहाँ पे बड़ा 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है। और मैंने थोड़ा मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा लिया है, तीखी आपको ज़्यादा तीखी पसंद नहीं है तो आप थोड़ा कम लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मिर्च पाउडर लिया है। और यहाँ पे हल्दी मैंने बड़े 1 चम्मच लिया है। तो मसाले को प्याज में अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐसा 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। देखिए मैंने 2 चम्मच ले लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल है। तो पहले हम मसालों को प्याज में अच्छे से सान लेंगे। उसको सानिएगा प्याज को। तो देखिए दोस्तों, मैंने मसालों में अच्छे से प्याज को मिला लिया है। अब इसे मटन ऐड करेंगे। मटन को भी डाल के अच्छे से हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मटन को मैंने अच्छे से मसालों में मिक्स कर लिया है। इसे 1 घंटा तक ढक्कन लगा के रख देंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटा तक रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा 1 घंटा मैरिनेट करना हुआ मटन हो गया है। चलिए अब इसका बनाने का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों तेल लिया है 2 बड़े चम्मच। तो मैंने अच्छे से तेल को गर्म होने दूंगी। तब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है, तब तक देखिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं। मैंने यहाँ पे 4 देखिए सूखी मिर्च लिए है, 4-5। मैंने यहाँ पे 4 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा तेजपत्ता को तोल लिया है। मैंने 8 छोटी इलायची लिया है, 2 बड़ी इलायची लिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो इस तेल में हम खड़े मसालों को सब डाल देंगे। 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब चाहे तो इसमें साबुत घी जीरा भी दे सकते हैं, लेकिन जीरा का जो मुंह में आता है मटन में अच्छा नहीं लगता है। आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से भुना चुका है। इसमें अब मटन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। मटन को अच्छे से हम चला लेंगे। अच्छे से मटन को चला लिया है। अब इसे ढक्कन लगा कर लो टू मीडियम में 1 घंटा तक हम इसे इसको बीच बीच में हिलाएंगे। 1 घंटा तक लो टू मीडियम में पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 घंटा हो गया है मेरे मटन को कसा हुआ। देखिए कितना अच्छे से हमारा मटन कसा हुआ हो चुका है। देखिए सब मटन का पानी है। अब इसे हम कुकर में डाल देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सब मटन को कुकर में डाल दिया है। और अपने हिसाब से हम पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा हम ग्रेवी बनाएंगे नहीं। देखिए हम ज़्यादा पानी डाले नहीं, हमको देखिए हमको ज़्यादा ग्रेवी वाला मटन बनाना नहीं है। अब हम अच्छे से चला देंगे और ढक्कन लगा के 3 सीटी आने तक उसको हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, 3 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको गैस को कुकर को अच्छे से ठंडे करके उसके बाद हम खोल के आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा सीटी पूरा निकल चुका है। अब हम गैस कुकर को खोलेंगे। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा हमारा मटन बन के आया है। देखिए दोस्तों, हमारा मटन मैंने निकाल लिया है एक बाटी में। देखिए कितना अच्छा बन के आया है। आप भी घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है मटन। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक लिए बाय।